जिस लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन को सपोर्ट देने में कोई पॉलिसी चेंज नहीं है और वहां से इन्फिल्ट्रेशन अभी भी जारी है। जिस लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंकवादी घुसपैठ को तैयार। नहीं, कोई कमी नहीं है, जैसे ट्रेंड था पहले वही ट्रेंड अभी भी जारी है। जिस लाइन ऑफ कंट्रोल की सुरक्षा में 2400 घंटे सातों दिन तैनात हैं भारतीय जवान। दुश्मन जो है अपनी कोशिशों में लगा हुआ है, लेकिन हम उसकी हर कोशिश को नाकाम करने के लिए यहाँ पे तैनात हैं। उसी लाइन ऑफ कंट्रोल से आज तक का जय जवान। इस समय हम लोग नियंत्रण रेखा पर हैं। नियंत्रण रेखा के एक बहुत ही संवेदनशील इलाके में है। और ये पूरी फेंस आप देख रहे हैं, बिल्कुल सांप की तरह नियंत्रण रेखा पर ये है। सेना का काम अत्यंत कठिन, जोखिम भरा, लेकिन धैर्य पूर्वक ये कर रहे हैं। वक्त रात 12:45, जगह LOC जम्मू कश्मीर, ऊंचाई 10,500 फीट, तापमान 3 डिग्री सेल्सियस। भारतीय जवानों को फेंसिंग के बेहद पास कुछ संदिग्ध गतिविधियों की खुफिया जानकारी मिली है। खुफिया इनपुट यह है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों का एक नया ग्रुप LOC पर घुसपैठ करने की कोशिश कर सकता है। इस कोशिश को नाकाम करने के लिए भारतीय जवान LOC पर आंखें गड़ाए तैनात हैं। इस समय हम लोग नियंत्रण रेखा पर हैं, उत्तर कश्मीर में हैं, लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर। रात में 2 बजने को आए और तापमान भी 2 से 2.5 डिग्री ऊपर। सेना का एक पेट्रोल फेंस पर है। मेरे साथ है कमांडिंग अफसर इस LC बटालियन के। कितना तनाव है समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर? लाइन ऑफ कंट्रोल में अभी फिलहाल हाइटेंड अलर्ट है और इसके वजह से जो है हम सारे तैयार हैं और कोई भी घुसपैठ होने से रोकने के लिए पूरे तैयारी में है। पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह के मौके पर आज तक की टीम उत्तर कश्मीर में LOC पर भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम के कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, ताकि देश को पता चले कि सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल बाद LOC के हालात कैसे हैं और क्या पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर अब एक और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए वक्त माकूल है या नहीं। नियंत्रण रेखा के एक बहुत ही संवेदनशील इलाके में है और इसकी संवेदनशीलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहां पर ये जो कांटेदार तार है AIOS एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम, ये एक नहीं, दो नहीं, 3-4 लेयर्स में है। इधर एक हाईली एक्टिव सेक्टर है और पाकिस्तान का पूरा कोशिश जारी है, दुश्मन का कोशिश जारी है इन्फिल्ट्रेशन करने का इस सेक्टर में। LOC पर भारतीय सेना की टुकड़ी के साथ नाइट पेट्रोलिंग के दौरान हमारे कानों में बार बार पाकिस्तान की तरफ से चलती गोलियों की आवाज पड़ रही थी, जिसका जवाब भी भारतीय सेना जोरदार फायरिंग से दे रही थी। घुसपैठ की कोशिशों को देखते हुए अब भारतीय सेना ने LOC पर कई लेयर वाली फेंसिंग लगा दी है और अपने जवानों को लेटेस्ट असॉल्ट राइफल और अत्याधुनिक नाइट विजन उपकरणों से लेस कर दिया है। तापमान 0 से सिर्फ 2 या 2.5 डिग्री ऊपर,
रात में 2 बजने को है और हम लोग पिछले 2.5 घंटों से लगातार सेना की इस टुकड़ी के साथ है नियंत्रण रेखा पर फेंस पर और एक बहुत ही स्मार्ट यंग आर्मी कैप्टन मेरे साथ है, इस पेट्रोल के लीडर है। देखिए इनका नया लाइट हेलमेट, नया नाइट विजन डिवाइस, बहुत ही नया ये कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, नई राइफल, हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट, एक ऐसा ही बुलेट प्रूफ जैकेट नियमानुसार मैंने भी पहना हुआ है नियंत्रण रेखा पर। सब नया है आपका इक्विपमेंट, लेकिन टास्क बहुत कठिन, वही पुराना, पाकिस्तान से आ रहे आतंकवाद को रोकना। काफी हद तक आतंकवाद जो है कम हुआ है, लेकिन फिर भी दुश्मन जो है अपनी कोशिशों में लगा हुआ है, लेकिन हम उसकी हर कोशिश को नाकाम करने के लिए यहाँ पे तैनात है। कुत्ता इंसान का सबसे अच्छा और वफादार दोस्त होता है, जिनकी यहाँ एलओसी पर भूमिका और ज्यादा बढ़ जाती है, जो पूरी रात चौकन्ना रहकर दुश्मन की तरफ से होने वाली हर संदिग्ध गतिविधि को सबसे पहले भांप लेते हैं और जवानों को अलर्ट कर देते हैं। अब दिन निकल आया है, लेकिन सेना के जवान अभी भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि 1 मिनट की चूक भी दुश्मन को अपने इरादों को अंजाम देने का मौका दे सकती है, और वो भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तानी आतंकवादी सर्दियों से पहले भारत में घुसपैठ के लिए बेचैन है। नियंत्रण रेखा की अगर इस समय स्थिति की बात करें, तो क्या पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन में, घुसपैठ की कोशिशों में कोई कमी है? मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है। देखेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन को सपोर्ट देने में कोई पॉलिसी चेंज नहीं है। पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकवादी जम्मू कश्मीर में अमन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। 2 साल पहले हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक बार फिर पाकिस्तान ने पीओके में आतंकी अड्डे जमा लिए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान को भारतीय सेना का एक ही संदेश है, सुधर जाओ वरना एक और सर्जिकल स्ट्राइक झेलने के लिए तैयार हो जाओ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का यह दावा था कि अगर भारत एक कदम चले तो वो 2 कदम चलेंगे शांति बहाली के लिए, लेकिन नियंत्रण रेखा पर यह बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान केवल आतंकवाद के कदम यहां पर और बढ़ा रहा है, जिसको विफल करने के लिए भारतीय सेना निरंतर लगी हुई है। विवेक महिंद्रा और कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, उत्तर कश्मीर, नियंत्रण रेखा पर आज तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोस और शेयर कीजिए।